खाने बहुत हुए, अब मजा लेना है कोरियन, जापानीज और इटालियन फूड का। तो मिलते हैं पेशावर की शेफ मायरा शाहिद से, जो मुतारिफ करवा रही हैं वो खाने जो पेशावर के किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलते हैं। अजम रहमान जो इस वक्त शेफ मायरा के साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा। नाम मायरा शाहिद है, मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ। एंड बेसिकली आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और मेरे पास काफ़ी सारे डिप्लोमास हैं, फ्रॉम लिकॉर्डन ब्लू, स्काफा पाकिस्तान, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, हाशु ग्रुप्स, और अभी और भी काफ़ी कुछ मुझे इस फील्ड में सीखना है, और फ्यूचर में मेरे अपने रेस्टोरेंट खोलने का प्लान है इंशाल्लाह। जब मैंने स्टार्ट किया तो इट वाज़ अ बिग हिट माशाल्लाह। तो उसके बाद इनिशियली मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, जो मैंने और भी डिज़र्ट्स मतलब इंट्रोड्यूस करवाए अपने मेन्यू में। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए जो पेशावर में बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो पेशावर में कोरियन जापनीज़ फूड का बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हालांकि पसंद करने वाले बहुत सारे लोग थे, लोग इस्लामाबाद जाते थे खाने के लिए। तो फिर आई जस्ट थॉट टू स्टार्ट सुशी इन पेशावर, फिर उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो फिर स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने कोरियन चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाई, जैसे रामेन हो गए, राइस केक्स हो गए। इन चीज़ों का पेशावर में कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक फ़िलहाल नहीं है, रेस्टोरेंट्स में भी नहीं है। जी ऑर्डर्स में रेगुलर बेसिस पर लेती हूँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है ऑर्डर्स पर, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लिए फिर ऑर्डर्स बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल अकेले कर रही हूँ। एनुअल कलिनरी अवार्ड्स जो कि फूड इंडस्ट्री के पिछले 4 साल से हो रहे हैं, तो ये इनका चैप्टर 4 था जो इस्लामाबाद में हुआ था, पेशावर में सिर्फ फ़िलहाल मुझे मिला है, क्योंकि फ़िलहाल पेशावर में कोई भी इस तरह का काम नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोरियन हो गया, जैपनीज़, इटालियन, ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं कर रहा। आई एम अ वुमेन जो ज़्यादा इक्वलिटी पे बिलीव करती है, और आजकल जैसा हमारा दौर जा रहा है, हमें मेल और फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना चाहिए, हमें सारे काम मतलब खुद ही करने चाहिए, जैसे दौर जा रहा है। तो इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि लड़कियां आजकल काम में लड़कों से।